इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या फ्लिपकार्ट पर जो ऑर्डर्स रहते हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं या नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, ऑर्डर्स बहुत किस्म के रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर शूज़ वगैरह हम ऑर्डर करते हैं तो इन्हें डिलीट कर सकते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वैसे सिंपल सी बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर डिलीट करना या ना डिलीट करना एक क्या कॉन्सेप्ट रहता है आपके आपके सोचने पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मान के चलिए आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करना क्यों है, रीज़न इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई ऑर्डर हिस्ट्री देखकर आपको समझ आएगा कि आप कितनी चीज़ें मंगवाते हैं, तो आप उसकी आईडी को अपनी आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं सिंपली, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कोई देख नहीं पाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपकी कोई बहुत सारी ऑर्डर्स रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि ये जो है आपकी दर्शाता है कि आपने क्या ख़रीदा, एंड बाद में आप इसका इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो डिलीट तो वैसे हो नहीं पाएगा, सिंपली मैं आपको बता दूँ, चाहे आप यहाँ पर इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए तो डिलीट होने का सिस्टम ही नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए आप डिलीट नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं होगा, तो आपके सुविधा अनुसार इसको मैनेज करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑर्डर जो है मतलब ऑर्डर करिए किसी और आईडी से, आईडी डालने के बाद आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिर्फ तुक्का बड़ी ही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट जो आप चाहते हैं यहाँ से वो डिलीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।